अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रॉड ड्रैगन के गेमिंग एसेंशियल 3-in-1 सेट को, जिसमें हमें मिलता है एक गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस और गेमिंग माउस पैड। ब्लैक कलर में ये आता है और इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही है। अनबॉक्सिंग में बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, डिजाइन का, साथ में चेक करेंगे जो इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी मिल रही है हमें माउस पैड की, कीबोर्ड की, कीबोर्ड की की साउंड की, और यहाँ पर जो माउस की जो क्वालिटी मिल रही है वो चेक करके आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को अंत तक लाजमी देखेगा और मैं रेकमेंड भी करूंगा कि ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और शॉप का एड्रेस भी आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और इनके पास काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है जो कि गेमिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ये ओवरऑल पाकिस्तान में डिलीवर भी करते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो ये भी डिलीवर हो जाएगी आपको। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके, तो बॉक्स के फ्रंट में मिल जाता है रेड ड्रैगन का लोगो, यहाँ पर कीबोर्ड, माउस पैड और माउस का जो है डिज़ाइन मिल जाता है और यहाँ पर बताया हुआ है कि हाई स्पीड है, हाई कंट्रोल है और हाई रिस्पांस का बताया हुआ है। और यहाँ पर जो है गेमिंग एसेंशियल S10 कीबोर्ड, माउस, माउस पैड 3-in-1 सेट मिल रहा है। ओके, तो इसकी बैक साइड पर आ जाते तो यहाँ पर जो है कीबोर्ड का जो स्पेसिफिकेशन है वो बताए हुए हैं और 7 कलर रेमबो कलर मिल रहे हैं और जो ये विंडो XP और विंडो 10 को ये सपोर्ट करता है, मेड बाय चाइना है और इसका जो मॉडल नंबर है S10 7 है। तो इसके जो बाकी स्पेक्स है ना वो मैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने शो कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसके जो स्पेक्स हैं वो रीड कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और फिर डिज़ाइन वगैरह चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक रेड ड्रैगन का जो है स्टिकर मिल जाता है और यहाँ पर जो यूजिंग गाइड बुक मिल जाती है जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो कुछ समझ ना लगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले बात कर लेता हूँ माउस की। तो यहाँ पर जो माउस की वायर क्वालिटी है वो नो डाउट काफ़ी अच्छी है, ब्राइडेड केबल मिल रही है फिल्टर के साथ और जो USB का जो कलर है वो है गोल्ड प्लेटेड कलर है। ओके, तो यहाँ पर माउस का जो डिज़ाइन है वो इस टाइप का मिल रहा है, ये आप लोग देख भी सकते हैं और डिज़ाइन वाइज तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो जो है प्लास्टिक की मिल रही है। ठीक है, तो अच्छी प्लास्टिक है, ठीक है, अच्छा जो है जो क्वालिटी वाइज है प्लास्टिक की वो अच्छी मिल रही है, सॉलिड प्लास्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिज़ाइन तो ऑसम है लेकिन जो है कलर वो 1 कलर मिल रहा है, वो ये भी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले बात कर लेता हूँ माउस पैड की। तो यहाँ पर जो माउस पैड जो है ना वो इस टाइप का डिज़ाइन है मिल रहा है और यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड साइज़ मिल रहा है, तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज तो नो डाउट काफ़ी अच्छी है। हाँ, काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी मिल रही है, जो बेस मिल रही है वो रबड़ की मिल रही है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। तो ओके, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो रेड ड्रैगन का जो है ना लोगो और नेम वो दिया हुआ है, रेड कलर में ये आता है, रेड और ब्लैक कलर में, तो डिज़ाइन वाइज तो नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर रखता हूँ इसको साइड पर। तो यहाँ पर बात करते हैं कीबोर्ड की। तो यहाँ पर जो वायर मिल रही है एक रबड़ की मिल रही है, ठीक है, तो क्वालिटी वाइज तो ठीक है, नॉर्मल क्वालिटी मिल रही है, ये कि अच्छी क्वालिटी मिल रही है, नॉर्मल से मिड लगा लें, ठीक है, मिड क्वालिटी जो है वो मिल रही है, तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है वो मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो USB का जो अंदर वाला कलर है वो है गोल्ड प्लेटेड कलर है, ये भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायर क्वालिटी है वो आप लोगों को मैंने बता दिया और जो यहाँ पर कीबोर्ड का डिज़ाइन है वो चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है वो सिंपल डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ पर जो आउटलाइन दी हुई है कीबोर्ड की वो है टोटली लाइट की, ठीक है ना, जो LED लाइट है वो दी हुई है, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे जो ये सेक्शन बना हुआ है आउटलाइन का, तो ये सारा जो है स्क्वायर में
लाइट दी हुई है, ठीक है। ये भी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है, नॉर्मल है, सॉलिड प्लास्टिक मिल रहा है, लेकिन ये के अच्छी जो है क्वालिटी मिल रही है। ये आप लोगों के सामने जो है ना डिज़ाइन वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश में आते हैं, जो बटन्स हैं वो मैट फिनिश में आते हैं। तो यहाँ पर रेड ड्रैगन का एक नेम मिल जाता है बस, और कुछ इतना खास डिज़ाइन नहीं दिया हुआ, बस जो है एक जो नॉर्मल जो डिज़ाइन होता है सिंपल वो मिल रहा है। लेकिन ये कि ये जब ऑन होगा तो उस टाइम पता चलेगा इसकी जो एलईडी लाइट है उससे ये कैसा लगता है, कीबोर्ड और जो माउस है वो कैसा लगता है। तो फिर चलिए फिर इसका जो है इनको ऑन करता हूँ, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं कि इसकी जो लाइट है वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है कीबोर्ड और माउस को, तो यहाँ पर जो है ये इस टाइप से नज़र आता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है ये इस टाइप से शो करेगा, डिज़ाइन वाइज नो डाउट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वन लाइट है या फिर आरजीबी लाइट है, तो इसको मैं प्रेस करता हूँ। ओके, तो ये आरजीबी लाइट में ये आता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं, तो यहाँ पर जो कलर है वो इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पर ब्लू कलर शो कर रहा है अभी, और यहाँ पर जो है ग्रीन कलर हो गया है, तो ये भी नो डाउट काफ़ी अच्छा कलर शो कर रहा है। तो ये अगेन करता हूँ तो यहाँ पर जो है पर्पल कलर जो है वो मिल जाता है, तो ये आप लोगों के सामने है। तो मैं अगेन से प्रेस करता हूँ बटन को। ओके, तो यहाँ पर जो है रेड कलर, तो तीन चार जो है बटन तीन से चार जो है कलर मिल रहा है, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ये और एक पर्पल, चार कलर हो गए। यहाँ पर जो है दो बटन मिल जाते हैं, और एक यहाँ पर जो है जो कलर चेंज करने के लिए वो बटन मिल जाता है, लेफ्ट राइट, और एक व्हील मिल जाता है बटन। तो चलिए फिर इसको रखते हैं हम साइड पे, और यहाँ पर मैं कीबोर्ड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो फंक्शंस कीज़ हैं वो चेक करते हैं, और यहाँ पर जो इसकी लाइट है वो कैसी मिल रही है, आरजीबी लाइट है या वन कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं FN और 1 दबाता हूँ, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करता। ओके, तो मैं यहाँ पर मैं FN 1 दबाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर तो कोई भी बटन नहीं दिए हुए चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट का बटन दबाता हूँ FN के साथ, यहाँ पर भी चेंज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो है होम का बटन थे तो ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ओके, तो मैं अगेन दबाता हूँ तो ये सिर्फ एक ही कलर मेरा। ओके, तो यहाँ पेज अप से, पेज डाउन, एंड से कुछ भी नहीं मेरा। ओके, तो यहाँ पर पेज अप हो गया, तो यहाँ पर जो है एंड से जो है कलर चेंज होंगे, आई थिंक सो। ओके, तो यहाँ पर कलर जो है यहाँ पर आरजीबी कलर मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों के सामने, मैं थोड़ा सा कैमरा जो है वो पास कर देता हूँ थोड़ा और, ताकि सही से नजर आए। ओके, तो यहाँ पर जो है क्वालिटी वाइज तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो आरजीबी लाइट्स हैं वो कितनी अच्छी मिल रही है, मतलब कि ये कि अच्छी कलर है, काफ़ी ब्राइटनेस है, जो आरजीबी लाइट की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राइटनेस मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर जो फंक्शंस कीज हैं वो चेक करते हैं मैं दोबारा से। तो यहाँ पर बताता हूँ आपको कि जो यहाँ पर जो है ना होम बटन, ये आपका जो है जो आरजीबी लाइट्स है वो चेंज करेगा इस तरह से, ठीक है। ये आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये सिर्फ मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड होते हैं इनकी जो साउंड होती है वो नॉर्मल होती है, जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उस तरह की होती है, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी होती है, ज़्यादा वो नहीं साउंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो FN बटन और होम का बटन है उससे जो है ना ये चेंज करेगा, सिर्फ सारे कलर जो हैं वो चेंज करेगा। तो यहाँ पर मैं FN और स्क्रॉल का बटन जो है वो दबाता हूँ, तो यहाँ पर जो है वन कलर जो है शो हो जाएगा, जो कि ये वाइट कलर है। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं, वाइट कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैं दोबारा से दबाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी ब्लू है जो कि वन कलर अभी शो कर रहा है, स्टील जो कलर है। ओके, तो ये ग्रीन कलर शो कर रहा है, ये आप लोगों के सामने। मैं एक लाइट और ऑफ कर देता हूँ, ताकि जो लाइट है वो आप लोगों को काफ़ी सही से दिखे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस टाइप से जो है कलर शो करेगा। ओके, मैं दोबारा से दबाता हूँ FN और स्क्रॉल का बटन, तो यहाँ पर रेड कलर जो है वो शो करेगा, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। ओके, तो मैं दोबारा से दबाता हूँ, तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर आ गया है और येलो कलर मिल गया है। ओके, तो पर्पल कलर मिल गया है और वाइट। ओके, तो यहाँ पर जो है ना 5-6 कलर जो मिल रहे हैं, ठीक है, और जो कि स्टील कलर मिल रहे हैं, और बाकी जो दूसरा जो होम बटन है वो वन बाय वन जो है
चेंज करता रहेगा। सिर्फ ये दो ही फंक्शंस दिए हुए हैं इस कीबोर्ड में। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड की जो है साउंड है वो सुना देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप की ही साउंड होती है क्योंकि ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, जस्ट गेमिंग कीबोर्ड है, ठीक है, मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है ये। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ये कीबोर्ड, माउस और माउस पैड? इस प्राइस टैग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, और यहाँ पर जो है क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और स्टिल कलर भी मिल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर तो ये आप लोगों को अच्छा लगा कीबोर्ड और आप बाय करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है और शॉप का एड्रेस भी आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।